हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ ऑर्गेनिक इंटर कन्वर्जन, ठीक है, जो कि आपका जेईई नीट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, जेईई नीट एंड आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 12th का बच्चे हुए, जो 12th का बच्चा बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो या कुछ भी बोर्ड हो, वह भी बहुत हेल्पफुल होगा ये हमारा इंटर कन्वर्जन। ठीक है, इसमें हम कुछ सीरीज लेकर आएंगे, कुछ 50 से 50 to 100 तक हमने करेंगे इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो पहले देखते हैं लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल, इंटर कन्वर्शन ऑफ लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल। ठीक है, मतलब लोअर टू हायर समझ में आ रहा है। मान लो CH3OH, ये क्या है, मिथानॉल टू इथानॉल हम करेंगे, CH3CH2OH। ठीक है, तो वही होता है हायर, लोअर टू हायर। ठीक है, तो देखते हैं, ये था लोअर अल्कोहल ROH। ठीक है, इसको हम और अगर हम फॉस्फोरस आयोडीन देंगे तो ये क्या होगा, RI, पता है, अल्कोहल ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस आयोडीन और PI3, इसको बोलते हैं ये क्या है, अल्काइल आयोडाइड। समझ में आ गया, ये था हमारा अल्कोहल। हाँ जी सर, अल्कोहल ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस आयोडीन क्या होगा, अल्काइल आयोडाइड। हाँ जी सर, ठीक है, समझ में आ गया पहला स्टेप, ये था स्टेप वन। देन नेक्स्ट नेक्स्ट सर, अगर ये RI को हम अल्कोहलिक कैसियन दे देंगे क्या होगा, RI को अल्कोहलिक कैसियन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, RCN, अल्काइल सियानाइड। ठीक है, देन अल्काइल सियानाइड को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको रिड्यूस करेगा। हाँ जी सर, रिड्यूस करेगा, क्या रिड्यूस करके क्या करेगा, RCN था, RCH2NH2 अमाइन करेगा। ठीक है, ये गलत फहमी मत पाना, RNH2 मत कर देना, क्योंकि यहां पे कार्बन कितना है, ये तो R ग्रुप में कार्बन है, CN में C भी एक कार्बन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, RCH2NH2। समझ में आ गया, तो अल्कोहल को पहले फॉस्फोरस प्लस आयोडीन और PI3 भी लिखा रह सकता है। ठीक है, ट्रीट करेंगे क्या होगा, अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड को अल्कोहलिक एसियन देंगे, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्काइल सियानाइड। जब सियानाइड की, ठीक है, सियानाइड के हम क्या करेंगे, अल्काइल सियानाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब रिड्यूस करेंगे, ये क्या होगा, अमाइन होगा। ठीक है, हाँ जी सर, जब अमाइन को अब HONO के साथ ट्रीट करेंगे, अमाइन को HONO के साथ ट्रीट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो ये था लोअर अल्कोहल। हाँ जी सर, ये हो गया हायर अल्कोहल। समझ में आ गया, हाँ जी सर, देखो यहाँ पे मैंने जैसे लिया मिथानॉल टू इथानॉल करेंगे, मान लो CH3OH। ठीक है, इसको पहले फॉस्फोरस आयोडीन या PI3 दिए, क्या होगा, CH3I। हाँ जी सर, देन CH3I की अल्कोहलिक कैसियन कैसियन दे दिया हमने, क्या हुआ, जब अल्कोहलिक एसियन CH3I के साथ ट्रीट करेगा क्या होगा, CH3CN। हाँ जी सर, मिथाइल सियानाइड, मिथाइल सियानाइड को हम रिड्यूस करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ जी सर, क्या हो जाएगा, CH3CH2NH2। ठीक है, इथाइलामिन, इथाइलामिन को हम HONO के साथ ट्रीट करेंगे, क्या होगा, इथानॉल या इथाइल अल्कोहल जो भी बोलूँ, हो गया, ये था मिथानॉल, ये हो गया इथानॉल। इजी है, जैसे तुम सोच रहे हो उतना इजी है। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी सर, बस एक बार अच्छे से देख लो, अल्कोहल फॉस्फोरस आयोडीन अल्काइल आयोडाइड, उसके साथ अल्कोहलिक HONO3 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन, क्या होगा, अल्काइल अल्काइल सियानाइड, देन इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन, साइड में देख लो क्या हो रहा है, रिडक्शन, देन ये क्या हो गया, RCH2NH2, जब इसको HONO के साथ ट्रीट किया हमें अल्कोहल मिला। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, इथेन टू एन ब्यूटेन, इथेन टू एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन। ठीक है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, IC2 ब्यूटेन, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन। तो पहले इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या है, CH3CH3, हाँ जी सर पता है, इसको ब्रोमीन HNO के साथ ट्रीट करेंगे, क्या होगा, ब्रोमीन HNO के साथ ट्रीट करेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन, क्या होगा, CH3CH2Br, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड। हाँ जी सर, जब इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम ईथर देंगे क्या होगा,
अरे एन ए इथर देंगे तो क्या होगा भाई, ये क्या है, आर बी आर आर एक्स, इसको जब सोडियम देते हैं क्या होता है, ओर्ज रिएक्शन, ओर्ज रिएक्शन पता है या नहीं है, ओर्ज रिएक्शन, ओर्ज रिएक्शन में क्या है, अल्काइल हैलाइड ठीक है, ट्रीटेड रिएक्ट हुई, रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अंडरगो डाइमराइजेशन टू गिव अल्केन ठीक है, मतलब हमने आर एक्स लिया, सोडियम दिया, ये क्या होता था प्लस आर एक्स, यहाँ पर और एक लेते सेम, देन ये क्या होता आर आर, हाँ जी सर सॉरी आर आर, देन ये हमारा एन ए एक्स टू निकल जाता है, एन ए एक्स टू, यहाँ पर भी वही है सी एच थ्री सी एच टू था बी आर ठीक है, इसको हमने सोडियम इथर दे दिया, ये क्या हुआ ओर्ज रिएक्शन ठीक है, ओर्ज रिएक्शन क्या है पता है आपको, नहीं पता है तो मेरा एक और सीरीज आएगा जिसमें सिर्फ हम नेम रिएक्शन की बात करेंगे ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो ऑर्गेनिक में ये सारे नेम रिएक्शन हमारा इंटर कन्वर्शन से तो बहुत सारे रिएक्शन भी कवर अप हो जाएगा एंड बाकी कुछ बचे कुछ नेम रिएक्शन में भी हो जाएगा ठीक है, तो लगभग आपका ऑर्गेनिक है ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक आपका रिवाइज हो जाएगा ठीक है, तो ओर्ज रिएक्शन हमें पता है तो क्या होगा, ये ब्यूटेन हो गया, समझ में आ गया, हाँ जी सर, तो पहले क्या हुआ हमारा CH3 CH3 मतलब इथेन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन एच नो हैलोजिनेशन रिएक्शन गिव्स इथाइल ब्रोमाइड व्हिच रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथर व्हिच इज अ ओर्ज रिएक्शन गिव्स ब्यूटेन ठीक है, हाँ जी सर, लेट्स मूव इथेन टू प्रोपेन, इथेन टू प्रोपेन, इथेन वही इथेन है, हाँ जी सर, वही हमने क्या किया क्लोरीन एच नो, वही क्या हुआ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, तो क्या होगा इथाइल क्लोराइड, हाँ जी सर, वहां तक तो हो गया, देन क्या करेंगे, देन लिथियम ईथर, लिथियम ईथर तो क्या होगा CH3 CH2 Li, ये क्या लिथियम ईथर के साथ जब ट्रीट करेंगे अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ लिथियम ईथर क्या होता है, अल्काइल लिथियम वही है CH3 CH2 Cl, जब लिथियम ईथर के साथ ट्रीट करेगा क्या होगा इथाइल लिथियम ठीक है, इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ सोडियम ईथर गिव्स इथाइल लिथियम, हाँ जी सर, देन देन CuY, CuY क्या होगा ये डाई अल्काइल कॉपर लिथियम कॉपर ठीक है, ये क्या हो गिलमान रिएजेंट, ये क्या अरे गिलमान का स्पेलिंग क्या है, गिलमैन रिएजेंट, हाँ जी सर गिलमान रिएजेंट याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ सर गिलमान रिएजेंट याद आ गया, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, देन हमें उसको द गिलमान रिएजेंट को CH3Br एंड ड्राई इथर के साथ ट्रीट करेंगे क्या होगा CH3 CH2 CH3 प्रोपेन ठीक है, ये क्या होता है इसना देखो ये था ना R2CuLi कोरे हाउस सिंथेसिस राइट, इसका नेम रिएक्शन क्या है कोरे हाउस सिंथेसिस, इसको जब CH3Br या RBr अल्काइल ब्रोमाइड या RX अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे ठीक है, R2CuLi गिलमान रिएजेंट ट्रीटेड विथ अल्काइल हैलाइड क्या होगा, इसका R2 से सिर्फ R लेंगे एंड हमारा जो अल्काइल हैलाइड का अल्काइल पार्ट लेंगे, हो गया यही एल्केन प्रोडक्ट आता है, हाँ जी सर, तो यही तो यहाँ पर लिखा है, तो पहले हैलोजिनेशन क्लोरीन के साथ ठीक है, क्लोरीनेशन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद लिथियम ईथर गिव्स इथाइल लिथियम रिएक्ट विद कॉपर आयोडाइड गिव्स गिलमान रिएजेंट व्हिच रिएक्ट विद CH3Br ड्राई ईथर कोरे हाउस सिंथेसिस गिव्स हमारा क्या दिया प्रोपेन ठीक है, हाँ जी सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मिथाइल आयोडाइड टू इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड ठीक है रिएक्ट विथ कैसियन क्या देगा SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन SN2 रिएक्शन गिव्स CH3Cl अल्काइल सियानाइड ठीक है, व्हिच रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके भी ये क्या देगा वही रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी आप ले सकते हो ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम C2H5 सोडियम अल्कोहल सोडियम इथेनॉल क्या देगा हमारा इथाइलामिन या इथानामाइन ठीक है, देन उसको HONO के साथ ट्रीट करेंगे हमें क्या मिलेगा अल्कोहल, यहाँ पे क्या मिलेगा अल्कोहल मिला ठीक है, अल्कोहल को फॉस्फोरस आयोडाइड और Pi3 के साथ जब ट्रीट करेंगे क्या होगा अल्काइल आयोडाइड ठीक है, तो ये था क्या इथानॉल, इथानॉल को जब ट्रीट किया क्या हुआ इथाइल हमारा इथाइल आयोडाइड, ये था हमारा मिथाइल आयोडाइड,
मिथाइल आयोडाइड, ये क्या होगा इथाइल आयोडाइड। इजी है, पहले इजी से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा मिथाइल आयोडाइड से इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विथ केसियन बाय एसएन2 रिएक्शन गिव्स मिथाइल सियानाइड व्हिच रिड्यूस टू, क्या होगा रिड्यूस बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इथेनॉल टू हमारा क्या होगा अमीन को, ठीक है इथाइल अमीन व्हिच रिएक्ट विथ H2NO गिव्स इथाइल अल्कोहल व्हिच रिएक्ट विथ फास्फोरस आयोडाइड और Pi3 गिव्स इथाइल आयोडाइड, ठीक है। हां दिस देन मिथाइल अमीन टू इथाइल अमीन, ओ अमीन की बात आ गई, ठीक है। मिथाइल अमीन ये है CH3NH2 मिथाइल अमीन रिएक्ट विथ H2NO क्या देगा मिथेनॉल, हां जी सर मिथेनॉल को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे फास्फोरस आयोडीन और Pi3 क्या देगा मिथाइल आयोडाइड, हाँ जी सर। देन मिथाइल आयोडाइड को कैसीएन के साथ ट्रीट करेंगे क्या मिलेगा हमें CH3CN, हाँ जी सर। CH3CN को जब हम रिड्यूस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हम सोडियम इथेनॉल क्या मिलेगा हमें CH3CH2NH2 हमारा मनचाहा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। हमें जो चाहिए वही प्रोडक्ट मिलेगा, हमें जिसके साथ रिश्ता करना है वही रिश्ता मिलेगा, ठीक है। हाँ जी सर देखो, ठीक है थोड़ा ये जो लिखा है उसको हो गया अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ये है मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ H2NO गिव्स हमारा मिथानॉल गिव्स मिथेनॉल व्हिच रिएक्ट विथ फास्फोरस आयोडीन और Pi3, ठीक है ये क्या होगा हमारा इथाइल आयो सॉरी मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड नेम तो आपको पता है मिथाइल आयोडाइड व्हिच रिएक्ट विथ KCN बाय SN2 रिएक्शन क्या देगा हमारा मिथाइल सियानाइड ऑन रिडक्शन बाय सोडियम अल्कोहल और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड गिव्स इथाइल अमीन, ठीक है। इजी है, हाँ जी सर।